दोस्तों आज मैंने चार फिल्में देखी। ये सभी फिल्में इसी महीने रिलीज़ हुई है। काफ़ी सारी फिल्मों के रिव्यू करना हमारा बाकी रह गया था। अब वो फिल्में कौन सी आपको पता चली जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी सबके रिव्यूज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम रिव्यू करने वाले हैं डिस्को राजा का। ये रवि तेजा जी की इसी गणतंत्र दिवस पर रिलीज़ हुई एक तेलुगु साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय वी आनंद। ये एक तेलुगु फिल्म ज़रूर है, पर पूरी फिल्म देखते समय मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डायलॉग्स, लगभग शायद आधे के करीब डायलॉग हिंदी में थे और काफ़ी सारे डायलॉग्स इंग्लिश में भी थे। और जो पॉप कल्चर रेफरेंस के लिए उन्होंने जो पुराने गाने उपयोग किए हैं वो भी ज़्यादातर हिंदी गाने ही थे, जैसे कि महबूबा ओ महबूबा वगैरह वगैरह। अगर इसका जो आपने जोनर सुना होगा, साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर मैंने बताया, तो ये सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि यार ये कैसा जोनर है, साइंस फिक्शन एक बिल्कुल ही अलग जोनर है, क्राइम थ्रिलर एकदम अलग जोनर है। पर इतना ही नहीं, इस फिल्म के जोनर में हम और भी कई प्रकार जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसे हम एक गैंगस्टर फिल्म भी कह सकते हैं, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म भी कह सकते हैं, एक रोमांटिक ट्रेजेडी ड्रामा भी कह सकते हैं, एक फैमिली ड्रामा भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको एक पीरियड ड्रामा भी कह सकते हैं। यानी बहुत सारे अलग अलग बातों को इस फिल्म में उन्होंने डालने की कोशिश की है, और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। और इतनी सारी बातें इस फिल्म में खिचड़ी उन्होंने कर दी है, उस वजह से जो बेसिक प्लॉट है उसमें हमारा इंटरेस्ट ही फिल्म देखते हुए ख़त्म हो जाता है ये भी मैं नहीं कहूँगा, फिल्म की शुरुआत से ही हमारा उस बेसिक प्लॉट में जो कहानी है फिल्म की मूल, उसमें हमारा इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता। फिल्म की शुरुआत होती है एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह, और वहाँ पर ये फिल्म अपने आप को काफ़ी सीरियस दिखाने की कोशिश करती है, पर कई सारी बातें फिल्म में काफ़ी इलॉजिकल हमें लगती है, उस वजह से ये फिल्म हमें अपने साथ में बांध नहीं पाती। तो एक मृत व्यक्ति को जीवित करने के एक्सपेरिमेंट के साथ में इस फिल्म की शुरुआत होती है। उसके बाद में ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा के जोन में पहुँच जाती है। वहाँ पर जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है वासु, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो हमें वासु कितना बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ये हमें एक लंबे चौड़े गाने के ज़रिए बताती है। हालांकि इतना समय लिया है वो क्या क्या कर सकता है वासु ये बताने के लिए, पर उस कैरेक्टर की उन प्रतिभाओं का वो क्या क्या कर सकता है उसका उपयोग पूरी फिल्म में कहीं पर भी किया ही नहीं है। तो एकदम ही बिना मतलब का वो सॉन्ग या वो बात लगती है। उसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी थोड़ा सा डेवलप करने के लिए फिल्म की शुरुआत में उन्होंने समय लिया है, पर वो फैमिली मेम्बर्स भी बाद में गायब हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जो वासु की गर्लफ्रेंड है जो उसका लोन अप्रूव करती है। इस फैमिली ड्रामा के बाद में ये फिल्म फिर से हमें उस लैब में लेकर के जाती है जहाँ पर मृत व्यक्ति को जीवित करने का एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब मैं आपको कोई ज़्यादा स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस व्यक्ति पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका उसी लैब के एक महिला डॉक्टर के साथ में फ्लर्ट करना, उसकी स्मृति याददाश्त चली गई है तो उस याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करना, उस लैब से उसका भागने की कोशिश करना, ये सारी बातें हमें इसके बाद में दिखाई है। और ये पार्ट भी कुछ ज़्यादा मुझे एंगेजिंग नहीं लगा, उतना कुछ लॉजिकल भी नहीं था, कुछ ज़्यादा सेंस भी उसमें नहीं था, और यही सब करते करते फिल्म का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में सेकंड हाफ की शुरुआत में ये फिल्म 1980 के दशक में पहुंच जाती है, और फिर ये फिल्म पीरियड गैंगस्टर ड्रामा, क्राइम थ्रिलर, एक्शन कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, इस जोनर में पहुँच जाती है। और सेकंड हाफ थोड़ा सा ठीक था, ज़्यादा कुछ एंटरटेनिंग था ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ठीक था फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ। और सेकंड हाफ में 1980 के दशक के जो कॉस्ट्यूम्स दिखाए हैं, जो रोमांस दिखाया है, जो क्राइम वर्ल्ड दिखाया है, जो फिर पॉप कल्चर रेफरेंस के लिए जो पुराने गाने उन्होंने दिखाए हैं, ये सारी बातें सेकंड हाफ में मुझे ठीक लगी। तो कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ डिसअपॉइंटिंग था, तो सेकंड हाफ थोड़ा सा ठीक है। रवि तेजा जी का परफॉर्मेंस भी मुझे सेकंड हाफ में ज़्यादा पसंद आया, और जो डिस्को के साथ उन्होंने एक्शन दिखाई है वो कुछ फिल्म में खास जमी नहीं। अब फिल्म का नाम ही डिस्को राजा है, फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है उसे डिस्को करते हुए एक्शन करना पसंद, तो इस बात पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए था और अच्छे से उस एक्शन को उन्हें दिखाना चाहिए था, पर उतना कुछ जमा नहीं वो डिस्को के साथ में एक्शन। नहीं तो देखिए अला वैकुंठपुरम लो, अभी 10 दिन पहले हमने उसका रिव्यू किया, 10-15 दिन पहले, उसमें जो एंडिंग में देखिए जो एक्शन सीक्वेंस है एक फोक सॉन्ग के साथ में, वो सच में ज़बरदस्त था। वो पूरी सीक्वेंस अभी भी मुझे अपनी आंखों के सामने है और उसे मैं बार बार देखना पसंद करूँगा। पर डिस्को राजा में एक भी ऐसा कोई सीन या फिर एक्शन सीक्वेंस नहीं है जिसे हम थिएटर से बाहर आने के बाद में याद कर सके। डिस्को राजा में क्राइम वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए उन्होंने ढेर सारी बातें इसमें डाली है, 1980 के दशक का जो माफिया है या जो क्रिमिनल्स के बीच का सत्ता का संघर्ष है या उनके ग्रुप के बीच की जो दोस्ती है, धोखेबाजी है, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने फिल्म में डाली है। पर
वो सारे सब प्लॉट्स या जो कैरेक्टर्स हैं उनको ठीक से डेवलप नहीं किया गया, इस वजह से हम उनके साथ में जुड़ नहीं पाते हैं। और एक क्राइम वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए बहुत सारी बातें डालना आवश्यक नहीं होता, जैसे कि जॉन विक का आप उदाहरण लीजिए, कुछ नहीं, कोई ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं, बस एक डॉग और उसके साथ जो घटना हुई वो, और उसी एक घटना को लेकर इसका जो फर्स्ट पार्ट है जॉन विक का, आप देखिए कैसे उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द एक दहशत उन्होंने बनाई है। तो ठीक तरीके से अगर एक ही घटना को लेकर भी डेवलप किया जाए कैरेक्टर को, वो भी बहुत हो जाता है, और यही पर डिस्को राजा कम पड़ जाती है। तो अगर आप रवि तेजा जी के फैन हैं तो भी बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आप ये फिल्म देखिए। मैं डिस्को राजा को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।